अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई गेस द ऑडियंस हैज नॉट जॉइंड अस येट। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हलीमा खुर्शीद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इफ़ यू आर हियरिंग मी प्लीज़ लेट मी नो एम आई ऑडिबल अ नॉट। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको मेरी क्लियर आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट मसूद हॉस्पिटल लाहौर एंड लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। सो आज का जो हमारा सेशन है, इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड एंगर एंड इट्स मैनेजमेंट। ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू इट्स इटियोलॉजी के एंगर क्यों होता है, बेसिकली एंगर है क्या चीज़, इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होती है, हाउ डज़ इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं, एंड इसके आप इसकी असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, एंड एट द एंड में थोड़े बहुत मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको बताऊंगी जो कि आप कर सकते हैं बाय योर सेल्फ, किसी थेरेपिस्ट पे के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं, और इफ़ यू आर अनेबल टू डू इट ऑन योर ओन देन ऑब्वियसली यू कैन सीक प्रोफेशनल हेल्प। मैं ऑन एंड ऑफ अपने अपने फेसबुक पेज के थ्रू भी और डिफरेंट सोशल मीडियम्स के थ्रू ऑनलाइन आती रहती हूँ, और जो मेरा मेन पर्पस है वो पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डीस्टिग्मेटाइज करना है। आई वांट टू नॉर्मलाइज मेंटल हेल्थ इश्यूज़, आई वांट टू यू नो अवेयर पीपल ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हाइजीन एंड हाउ डज इट अफेक्ट आवर फिजिकल हेल्थ। सो बेसिकली यही मेरा मेन पर्पस है एंड दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस सेशन। सो अगर हम एंगर के बारे में बात स्टार्ट करें, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू पोस्ट योर कॉमेंट्स एंड आई विल ट्राई कि मैं अगर साथ साथ हो सका तो साथ ले लूँगी, वरना इन द एंड में आपके क्वेश्चंस ले लूँगी। सो बेसिकली एंगर इज़ जस्ट एन इमोशन, जैसे एक खुशी होती है, गमी होती है, जैसे कोई यू नो एक गुस्सा सॉरी एम्बेरसमेंट होती है, पेन होती है जो हमारी सॉरी हर्ट होती है, वो शेम होती है, ये ग्रीफ होता है, ये सारे हमारे इमोशंस होते हैं जिसको बेसिकली अगर एक लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो जज्बात होते हैं, हमारे एहसास होते हैं। सो बेसिकली ये हमारे एहसास और जज्बात लाइफ में, हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, प्लीज़ लेट मी अश्योर यू कि अगर मैं जो भी बातें करूँगी, मैं किसी पेशेंट की बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी डिसऑर्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन जो एक लेमैन है, एक आप हैं, मैं हूँ, या कोई एक आम इंसान है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, बेशक वो किसी भी वर्ल्ड के किसी भी इलाके से बिलोंग करता हो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। सो होता है बेसिकली ये है कि जैसे हमें डिफरेंट इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, लाइकवाइज एक गुस्सा भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब हमारे साथ तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कंटिन्यूसली चल रही होती हैं। अब ये बात मैं बहुत दफ़ा ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल इट अगेन कि हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर, दे आर वेरी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। लाइक जो हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करते हैं, वही फील का मतलब है कि वही हम इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं और वैसा ही हम बिहेव करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम थिंकिंग के उसकी कैसे हिम्मत हुई मुझसे इस तरह बात करने की, अगर हम किसी रिलेशनशिप की बात कर लें, मदर एंड डॉटर की बात कर लें, कि अम्मी मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं, शी डजेंट लिसन टू मी, ये थॉट्स अगर हमारे जहन में आ रही हैं और इससे रिलेटेड हमारे पास फीलिंग क्या आना शुरू हो जाएगी, जो फीलिंग हमें नज़र आएगी जिसको इंटरप्रेट करना बहुत आसान होगा, वो ये होगा कि हमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, और जब हमें गुस्सा आएगा तो हमारा जो बिहेवियर है वो भी इससे रिलेटेड होगा। शायद अब हम गुस्से में आगे से बदतमीज़ी करें, शायद हम गुस्से में दरवाज़ा पटक के मार दें, शायद हम गुस्से में चुप हो जाएं, शायद हम रोना शुरू कर दें। तो ये जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं बेसिकली दे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कॉज कर रहे होते हैं। अब जो एंगर है, इट हैज़ अ फंक्शन, ठीक है, जैसे बाकी सारे इमोशंस होते हैं वैसे ही एंगर का एक फंक्शन होता है। जैसे खुशी का क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या मतलब एक फंक्शन है खुशी का,
खुशी का फंक्शन ये है कि अगर हम किसी सिचुएशन में किसी बंदे से बात करके किसी इवेंट में खुश हो रहे हैं, फील कर रहे हैं खुशी, क्योंकि इट इज़ वेरी इंटेंस. इन तीनों चीज़ों में जो सबसे इंटेंस है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे इमोशंस होते हैं, जो कि हमें अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे कर देते हैं कि यस, अगर हम खुश हैं, इट मीन्स समथिंग इज़ गोइंग वेरी गुड एंड अकॉर्डिंग टू आर ओन यू नो चॉइस एंड डिज़ायर. और इसी तरह अगर हम सैड होते हैं, हम अफसरदा होते हैं, इसका मतलब समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग. अब वो जो गलत हो रहा है वो बाहर भी हो सकता है, हमारे अंदर भी हो सकता है, सो इट इज़ related to this thing. इसी तरह से जो गुस्सा होता है, it also conveys a message कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देर इज समथिंग रॉन्ग और दिस देर इज समथिंग वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, वेरी अपसेटिंग, एंड आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड एज अ रिजल्ट वट आई एम फीलिंग, आई एम एंग्री. तो अब ये सारी हम जब फील कर रहे होते हैं, इसमें बेसिकली जो गुस्सा है ना, ये बहुत अम्ब्रेला इमोशन है. जैसे एक छतरी होती है ना, छतरी के नीचे आप यू नो बहुत सारी खुद को आप कवर कर लेते हैं व्हेन यू गो आउटसाइड इन रेन. इसी तरीके से जब गुस्सा होता है, इट इज़ एन अम्ब्रेला इमोशन. इसमें होता बेसिकली है कि गुस्से में हमारे वो बहुत सारे ऐसे इमोशंस भी होते हैं जिनका हम नॉर्मल इनको एक्नॉलेज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, मैं नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ, जब भी आप हर्ट होंगे ना, आपको गुस्सा आएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉमन सी एक ऑब्जर्वेशन होगी कि जब आप तेज़ी से जा रहे हो और आपका पाँव दरवाजे पे लग जाए, व्हाट इज़ द इंस्टेंट रिएक्शन विच यू यू नो विच यू पोर्ट्रे, क्या होता है कि जो इंस्टेंट होता है विदाउट थिंकिंग, जो कि हमें एक उसी वक्त हम करते हैं, वो ये है कि हम उस दरवाजे को मारने लग जाते हैं, यू नो, क्योंकि हम अपना गुस्सा उस पर निकालने की कोशिश करते हैं बिकॉज आप हर्ट होते हैं. सो इन रिलेशनशिप्स, इन लाइफ, वेन एवर यू आर हर्ट, इट मीन्स कि आपको गुस्सा आ रहा है. अगर किसी बंदे पे आपको गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स देयर इज एन इमोशनल कनेक्शन देयर. जितना स्ट्रांग रिलेशन होगा, उतना ज़्यादा गुस्सा आने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर तो वो आप हर्ट हो रहे हैं उस सिचुएशन में. सो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे हेल्दी, हमारे खुशी होती है, गमी होती है, हर इमोशन की तरह गुस्से के भी कुछ यू नो कुछ मैसेजेस होते हैं जो गुस्सा हमें कन्वे कर रहा होता है. अब हमारे पास दो रास्ते आते हैं, या नॉर्मली दो चीज़ें देखने को आती हैं. एक ये होता है कि या तो वो बंदा गुस्सा एक्सटर्नलाइज कर लेता है, या वो बंदा गुस्सा इंटरनलाइज कर लेता है. अब व्हाट डू आई मीन बाय दीज टू टर्म्स, उसको मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आसान लफ्ज़ों में समझाऊं. एक्सटर्नलाइज करने का ये मतलब है कि गुस्सा आया तो ज़ोर से दरवाज़ा पटक के मार दिया, गुस्सा आया तो किसी को गाली दे दी, गुस्सा आया तो हॉर्न बजाना शुरू कर दिया तेज़ी से. लाइक आपके उस एक्शन से एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है. एंड व्हाट इज़ एन इंटरनलाइजिंग रिएक्शन, कि आपको गुस्सा आया, यू डिडंट से अ वर्ड, आप खामोश हुए, आप जाकर रोना, आपने रोना शुरू कर दिया, या फिर आप यू नो आपने उस चीज़ को अंदर ही रखा और अंदर ही अंदर आप यू नो कोशिश कर रहे हैं गुस्सा ख़त्म हो जाए, लेकिन वो आपको तकलीफ़ दे रहा है. अब इन दोनों सिचुएशन में, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीमिटीज़ हैं, वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस वे टू एक्सप्रेस आर इमोशन. अब इस तरह भी नहीं है कि गुस्सा आपको आ रहा है और आप गुस्से आउटबर्स्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नलाइजिंग आपका रिएक्शंस आ रहे हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि उस एक्सटर्नलाइजिंग रिएक्शन में आप ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे अगला बंदा ज़्यादा हर्ट हो जाता है. अब ये क्यों होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं वही एग्जाम्पल दे रही हूँ हमारे कल्चर में, कि अगर बाप और बेटे की लड़ाई होगी, या माँ या बेटी बेटी की, या फिर सिबलिंग्स में फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो गुस्सा आया और गुस्से में बातें सुना दी अपने भाई को, और बाद में यू एक्चुअली रिग्रेटेड कि ये हो क्या रहा है, कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू नो. सो ये क्या हुआ, आपने गुस्से में कोई ऐसा काम कर दिया जो कि आप रैशनल वे में, अगर आप गुस्सा ना आया होता तो आप ना करते. क्योंकि होता यह है कि जैसे ही हम इमोशनल होते हैं, अब वो कोई भी इमोशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एंगर, सो मैं गुस्से की बात करूँगी. जितने हम इमोशनल होंगे, जितना हमारा एंगर ज़्यादा होगा, उतनी हमारी थिंकिंग डाउन जाएगी, उतनी हमारी रैशनैलिटी डाउन जाएगी. इट्स लाइक एंगर गोज अप एंड थिंकिंग गोज डाउन. जितनी एंगर गोज अप एंड लॉजिकल थिंकिंग, दैट रैशनैलिटी, विजडम गोज डाउन. लिटरली इन आवर माइंड आवर विजडम गोज डाउन. इसका ये मतलब है कि उस गुस्से में हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो कि हम एक नॉर्मल स्टेट में कर सकते हों. दैट्स वाई इन रिलेशनशिप, बेशक वो पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, हस्बैंड वाइफ का हो, एक स्पाउस के साथ, या फ्रेंड्स के साथ, इवन हम ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो कि बाद में हम गुस्से में रिग्रेट करते हैं, यू नो.
So it is very important to low down your emotion in order to convey what actually is hurting you. क्योंकि गुस्से का आपको एक मैसेज मिल रहा है कि द सिचुएशन इज अपसेटिंग, इस बंदे ने कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया है. सो आपने उस बंदे को वो बात कन्वे करनी है. नाउ इट्स अप टू यू हाउ डू यू कन्वे. अगर तो आप गुस्से में कन्वे करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, एंगर आउटबर्स्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो बंदा और गुस्सा हो जाएगा और आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं करेगा. लाइकवाइज अगर आप उसको बदतमीजी से बात करेंगे, गाली देंगे, तो वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा. वो तो उसको इनफैक्ट और गुस्सा आ जाए, और फिर क्या होगा कि दो लोग दोनों के गुस्से ऊपर है, दे आर वेरी इमोशनली अराउज्ड, और विजडम नीचे है, एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, और फिर इस तरह रिलेशनशिप्स खराब होते हैं. सो करना क्या चाहिए? इसका ये भी तरीका नहीं है कि गुस्से को बिल्कुल ही सप्रेस कर देना. एंगर मैनेजमेंट इज नॉट लाइक दिस कि मुझे गुस्सा आया, आई एम नॉट गोइंग टू एक्नॉलेज इट. मैं कह रही हूँ कि मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करना और मैंने इसको सप्रेस कर देना है, और मैंने मैंने कोशिश करनी है कि मैं चुप कर जाऊँ. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बेसिकली करना ये है आपने कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कर सकते हैं कि वो आपने अपने एनवायरमेंट में कुछ अपनी सिचुएशंस को देखें, अपने डेली लाइफ को देखें कि मेरी लाइफ में कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं, कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसके दौरान मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है. अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जिस तरह की परवरिश हुई होती है, जो हमारा एनवायरमेंट होता है, जो हमारी पेरेंटिंग होती है, उसमें हमने अपने घर में ये माहौल देखा होता है कि अगर आपने रिस्पेक्ट अर्न करनी है, देयर इज़ ओनली वन वे टू डू दैट, एंड दैट इज़ टू बी एंग्री ऑल द टाइम. जैसे कि मैं आपको अपनी कल्चरल एग्जांपल ज़्यादा दूंगी ताकि आप रिलेट कर सकें, और हो सकता है कि आप लोगों की काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड हों और वो सॉल्व हो सकें. सो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं जी, गुस्से में फादर बात कर रहे हैं और फादर गुस्से में हमेशा रहे और वो डोमिनेंट रहे, इस तरह उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न कर ली. अगर आपकी इस एनवायरमेंट में परवरिश हुई हो, सो इसमें एक तो पहली बात ये आ गई मॉडलिंग. मॉडलिंग मीन्स कि बचपन से आपने एक ही तरीका देखा है कि जब कोई चीज़ आपको तकलीफ दे, सो आपने क्या करना है, आपने गुस्सा करना है. इट्स द ओनली वे वी नो हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स. अनफॉर्चुनेटली या रोएंगे या गुस्सा होंगे, इसके अलावा वी डोंट नो एनी थिंग. उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सिचुएशन हो सकती है कि आपने देखा है कि इस हमारा सर्वाइवल क्या होता है, हर इंसान का एक सर्वाइवल है ना, कि अगर इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई फंक्शन है, द फंक्शन दे सर्व. अब हमारा जो एक फंक्शन जो हम सब का सिमिलर है, दैट इज़ आवर सर्वाइवल. हम हर वो चीज़ करेंगे अनकॉन्शियसली जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई जब हमें कोई बुरा कहे, कोई हमें हमारे साथ ईगो हर्ट करने, हमारी जो ईगो हर्ट होती है, तो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन ये होता है कि जो वो कहता है ना, हमें मार्वल करता है, वो ना करें. क्योंकि हमारा एक अल्लाह पाक ने बेसिक इंस्टिंक्ट डाली हुई है सर्वाइवल की. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. तो हम क्या करते हैं, हमने शायद अपनी पेरेंटिंग में या अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर जब बड़े होते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा, शायद ज़िंदगी में सर्वाइव करने का यही तरीका है कि मैंने गुस्सा होना है, तो हम गुस्सा होते हैं. सो इसका यह मतलब है कि आपको थोड़ी बहुत अपनी असेसमेंट करनी पड़ेगी बिफोर मैनेजिंग द प्रॉब्लम. अब गुस्से में ये होता है कि कुछ लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ लोग कम गुस्सा करते हैं, कुछ लोग गुस्से में रो पड़ते हैं, कुछ लोग गुस्से में सो जाते हैं, कुछ लोग बदतमीजी करते हैं, कुछ दरवाजे पटक के मारते हैं. तो ये ऐसा क्यों है? लाइक वी ऑल आर वेरी सिमिलर, लाइक यू एंड आई आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बट स्टिल वी आर डिफरेंट. वाई वी आर डिफरेंट? क्योंकि हम सबकी जो बायोलॉजी है, हमारे जीन्स हैं, हमारी जो लर्निंग है, जो हम बड़े हुए और हमने इर्द गिर्द अपने माहौल से देखा, बेचक वो दो ट्विन्स ही क्यों ना हों, लेकिन उन्होंने अपने माहौल से देखा जी कि किस तरह से सर्वाइव करना है, आपने गुस्सा किस तरह होना है. सो ये सारे फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं हमें एक पर्सनैलिटी हमारी बनाने में. सो जीन्स का ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जी, बाप को बहुत गुस्सा आता है तो बेटे के अंदर भी वो चीज़ है, तो माँ कहती है जी इसके फादर को भी बहुत गुस्सा आता है तो उसके अंदर वो चीज़ है. अगर जेनेटिक्स में ये चीज़ है, इट डजेंट मीन कि उस चीज़ को आप मैनेज नहीं कर सकते. ऑफकोर्स यू कैन, क्योंकि इसमें हमारी जेनेटिक्स के साथ साथ साइकोलॉजी भी आ जाती है, हमारी बायो साइको सोशल जो मॉडल, अगर आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर विद इट और नॉट, लेकिन इसमें बेसिकली ये होता है कि हमने अपने लाइफ में जब बड़े हो रहे होते हैं, हमने कौन से मैकेनिज्म्स के थ्रू बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉडल करवाएं, बच्चों को लर्न करवाएं कि इफ़ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, देर इज़ अ पर्टिकुलर वे टू कम्युनिकेट. ये तो वही बात होगी ना कि अगर एक छोटा बच्चा है तो वो अभी उसकी लैंग्वेज, अल्लाह पाक ने जबान स्पीच उसकी भी नहीं है, ठीक है, उसकी डेवलप नहीं हुई स्पीच, बोलना नहीं शुरू किया उसने, तो वो क्या करेगा, वो उसको भूख लगी है,
उसका एक यू नो ही वॉन्ट्स टू कन्वे टू इज मदर के ही इज़ यू नो हंग्री, तो वो क्या करेगा, वो या तो रोएगा ठीक है, या वो मतलब शो मचाना शुरू कर देगा ना, या फिर वो हो सकता है गुस्से में कुछ इस तरह की चीज़ें हरकतें करना शुरू कर दे, टेम्पर टेंटर्स आना शुरू हो जाए. सो इट्स लाइक हम बड़े होकर भी बच्चे रहते हैं, हमें वी डोंट रियलाइज दिस थिंग. और अभी आपसे बात करते हुए रिलेटेड विद अ बेबी कि हमें भी कम्युनिकेट करना नहीं आता. अगर हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है, वी ओनली नो टू वेज, ईदर टू क्राई एंड द अदर वन इज टू यू नो शाउट एंड स्क्रीम एंड मिसबिहेव विद अदर पर्सन. सो वी नीड टू अडॉप्ट एंड लर्न दोज थिंग्स. अब चूंकि हमारी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हम बड़े हो चुके हैं, ये वक्त गुजर चुका है जब हम नई चीज़ें सीखनी थी, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप उम्र के किसी हिस्से में ये चीज़ें लर्न नहीं कर सकते. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा इसमें लर्न करेंगे. इसके अलावा जैसे हमने कोई चीज़ लर्न करनी होती है, इसका मतलब कि अगर कोई चीज़ हम सीखते हैं तो हम उसको भुला भी देते हैं. सो अगर हमने इस तरह के तरीके चीखना चलाना सीखा है अपने एनवायरनमेंट से या बचपन में, तो हम उसको अनलर्न भी कर सकते हैं. सो डेट्स अ गुड न्यूज़ एंड इट्स अ प्लस पॉइंट. सो बेसिकली एंगर की असेसमेंट में जब आपको सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई बेसिकली ये करना है, जैसे कि मैंने कहा कि एंगर इज़ यू नो इज़ एन एम्ब्रेला इमोशन. इसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं जो कि हमें बेसिकली नहीं पता होता. सो इस एंगर में सबसे पहले आपने ये देखना है कि मुझे गुस्सा क्यों आया हुआ है. क्या किसी बंदे ने कोई ऐसी बात की है जो कि एक मुझे बुरी लगी है, या वो उस बंदा, कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक ही बंदे पे बार बार गुस्सा आ रहा होता है यू नो, या एक ही सिचुएशन पे बार बार गुस्सा आ रहा होता है. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट कि वो कौन सा पर्टिकुलर पर्सन है जिस पे बार बार मुझे गुस्सा आता है, वो कौन सी पर्टिकुलर बात है जो कि मेरा हिट पॉइंट है, अगर इस पर कोई डिस्कशन करे तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है. सो यू नीड टू असेस इट फर्स्ट. जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो यू डोंट एक्सपेक्ट योर डॉक्टर टू गिव यू मेडिसिन बिफोर असेसिंग योर प्रॉब्लम. सो इसी तरीके से जब आपने खुद अपनी एंगर मैनेजमेंट करनी है, कुछ सेल्फ मैनेजमेंट करनी है, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज क्यूज एंड ट्रिगर्स विच एक्चुअली ट्रिगर यू टूवर्ड्स यू नो एग्रेसिव आउटबर्स्ट. और फिर आपने देखना है कि अगर ये मेरी असेसमेंट है, देन हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज इट. सो इसके अलावा अगर हम मैंने कुछ नोट्स रखे हुए हैं. वैसे एंगर मैनेजमेंट इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, इस पर बात करना इट्स नॉट ईजी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा और डिमीन्स आ जाती हैं. सो टू नैरो इट डाउन, आई हैव नोटेड सम पॉइंट, आई हैव डिस्कस द इटियोलॉजी विद यू कि गुस्सा क्यों आता है. इसके अलावा अगर मैं इसकी मैनिफेस्टेशन भी हमने बात कर ली है, अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात मैं करूँ कि अगर एक इंसान बार बार या ज़्यादा देर गुस्सा रहता है, तो उसकी पहली बात यह कि उसकी जो जिस्मानी सेहत है वो ख़राब हो जाती है. उसके अलावा में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और इस तरह की प्रॉब्लम्स को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. इसके अलावा अगर उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी डिटोरिएट होती है, वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें वो सफ़र करने के उसके ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस करने के ज़्यादा वो प्रोन हो जाता है, ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है यू नो. सो आपने ये देखना है, इट्स नॉट लाइक कि आपको गुस्सा कभी आना नहीं चाहिए, इट्स टोटली नॉर्मल. लाइक हर इंसान को गुस्सा आता है. जो ये कहता है कि उसको गुस्सा नहीं आता, वो गलत कहते हैं. हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी वेरी करती है. किसी को कम गुस्सा आता है, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है. सो इट गोज लाइक दिस. सो मैं साथ से क्वेश्चन I didn't get that much questions. Okay. So, इसके अलावा गुस्से के और के consequences हो सकते हैं. हमारी जो career होता है, हमारी जो एक colleagues के साथ relationship होता है, वो disturb होना शुरू हो जाता है. Like अगर एक job आप कर रहे हैं और वर्क प्लेस पर किसी सबको ये पता चलता है कि यार ये बंदा जो है ना ये बहुत लड़ाका है या गुस्सा करता है, तो आपका एक पर्सनैलिटी का इमेज ऐसे बन जाता है. लोग आपसे इतनी दोस्ती पसंद करना पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है. इसके अलावा आपके रिलेशनशिप्स जो होते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हो जाए, सिबलिंग्स के साथ हो जाए, फ्रेंड्स के साथ हो जाए यू नो, और स्पाउस के साथ स्पेशली हो जाए, तो वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाए. इवन विद योर ओन चिल्ड्रन. लाइक हमारे कल्चर में तो एक ये इमेज है ना कि बाप को बड़ा सख्त होना चाहिए और मर्द को गुस्से वाला होना चाहिए, यही अच्छी पेरेंटिंग है. दैट्स नॉट लाइक दिस के ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेरेंट्स जो हैं वो सख्त ही होंगे सो वो एक अच्छी पेरेंटिंग होगी. ठीक है, तो उसमें बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है. सो हमने इसकी मैनिफेस्टेशन, इसके इफेक्ट की बात भी कर ली. अब बेसिकली ये आपने ये समझना है कि एंगर इज़ लाइक बीस्ट, एक बीस्ट की तरह है वो, एंड यू नीड टू टेम इट. आपने उसको
खुद को कंट्रोल करने से बचाना है. इट्स नॉट लाइक आप एंगर गुस्सा आप कंट्रोल करें, यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर गुस्सा. ठीक है, आपने उसको गुस्से को कंट्रोल करना है. आप अब देखें, इसमें यह पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपको गुस्सा होने की, अब गुस्सा तो सब होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक कब बनता है, जब वो उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाए, तब आप जो है ना वो ज़्यादा गुस्से में ज़्यादा आपको लगता है कि इस बंदे को प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो हर वक्त गुस्से में रहता है और आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स इन योर लाइफ सो दैट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम. अब इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं. सबसे पहली बात ये कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गुस्से का जो काम है वो उसको, इस जो मैनेजमेंट है वो उसको सप्रेस करना नहीं है. बाय सप्रेस आई मीन इट्स नॉट लाइक गुस्सा आया एंड आई एम गोइंग टू कीप क्वाइट और मुझे सब्र करना है, मुझे कुछ कहना नहीं है. एंगर मैनेजमेंट ये होती है कि उस गुस्से को आपने मैनेज कैसे करना है. यू नीड टू लिव योर लाइफ विद दैट पर्टिकुलर गुस्सा इन योर लाइफ और आपने उसको कैसे मैनेज करना है. तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने कहा कि आपने अपने गुस्से की असेसमेंट करनी है. सेकेंड, फाइंड योर ट्रिगर्स. इसमें यह हो सकता है कि आप देखें जब आपको गुस्सा आता है तो आप फिजिकली क्या एक्सपीरियंस करते हैं. हो सकता है कि आपकी हार्ट बीट, हो सकता नहीं बल्कि यकीनन आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती होगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती होगी, शायद कुछ लोगों का रंग यहाँ से उसके चीक्स ब्लश करना शुरू कर देते हों. इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसे लगता है कि स्टमक में जो है वो एक नॉट सी बन गई है और एक सडन रश ऑफ थॉट्स जो है ना, सडन एक रश ऑफ हमारे जिम में थॉट्स आना शुरू हो जाती है, इरेशनल सी और गुस्सा और कुछ समझ नहीं आ रही होती, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे होते उन थॉट्स के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई योर, आपने ये देखना है कि जैसे एक ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं रेड येलो एंड ग्रीन. सो रेड मींस कि जब मुझे ये सारे फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, इसका मतलब क्या, बस मेरे हाथ भी ऐसे हो रहे हैं और मेरे यू नो आई एम क्लेंचिंग माई जॉज एंड आई एम क्लेंचिंग माई हैंड्स एंड आई एम क्लेंचिंग माई टीथ्स. इसका टूथ, इसका मतलब ये है कि यू आर यू नो ट्राइंग टू यू नो गुस्सा हो रहे हैं और आपने इसको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है. तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक की रेड लाइट आ गई, नाउ यू नीड टू स्टॉप. बाय स्टॉप आई मीन कि आपने बिल्कुल खामोश हो जाना है, क्योंकि द मोमेंट यू से समथिंग आपका होगा क्या कि वो चीज़ अगले बंदे को हर्ट कर सकती है, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में शायद वो अब आप बात ना करें. जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू द मोर इमोशनल यू विल बी द लेस यू नो रैशनल यू विल बी. सो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहले उस सिचुएशन से, आपको अगर लग रहा है कि अगर मैं उसी रूम में जहाँ पे कुछ लोगों की वजह से आपको गुस्सा आया हुआ है, यू आर सिटिंग देयर और आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अब आपने खुद से तहिया कर लिया कि मैंने कुछ बोलना नहीं है एंड आई एम गोइंग टू कंट्रोल दिस थिंग. अब ये कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस इमोशनल स्टेट को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका गुस्सा ऊपर रहेगा. जितना गुस्सा ऊपर रहेगा उतनी आपकी रेशनैलिटी नीचे रहेगी. सो यू नो आपने करना बेसिकली है कि आपने इसको नीचे लेकर आना है, इस गुस्से को, ताकि ये आपके ऊपर जा सके. क्योंकि ये ऊपर जाएगी तब आप रेशनली ऑब्जेक्टिव होके उस बंदे को रिस्पॉन्स दे सकेंगे और उसे कन्वे कर सकेंगे कि एक्चुअली में मुझे इस बात पर गुस्सा आया था. और अगर जितना आप रेशनली होकर उसको रिप्लाई कर पाएंगे उतना अच्छे तरीके से वो आपका मैसेज कन्वे होगा और उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बात फ्यूचर में रिपीट ना हो जिसने आपको गुस्सा दिलाया है ऑन द फर्स्ट प्लेस. सो आपने नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि अब उसको गुस्से को इसको नीचे करने के लिए, ताकि ये चीज़ ऊपर हो जाए, आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं. डीप ब्रीथिंग में आपने बेसिकली ये करना है कि आपने अपने नाक के जरिए एक गहरा लंबा सांस लेना है और आपने उसको थोड़ा पॉज करना है और रोक के रखना है और इतना गहरा लंबा सांस होना चाहिए कि वो आपके पेट तक जाए और उसके बाद आपने पॉज करना है वहाँ पे, उस सांस को रोकना है. देन यू नीड टू एक्सहेल इट फ्रॉम योर माउथ स्लोली एंड ग्रेजुअली. ठीक है, सो इस तरह क्या होगा कि आपको जो गुस्सा आया होगा या आपको जो बहुत ज़्यादा आप इमोशनल स्टेट ऊपर आपकी गई होगी वो आहिस्ता 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 नीचे आनी शुरू हो जाएगी. इसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि उस रूम में वही लोग बैठे हुए हैं और मुझे बार बार गुस्सा आ रहा है, सो देन यू नीड टू यू नो गो आउटसाइड और आप अपनी कोई जगह चेंज कर लें, अपना एनवायरमेंट चेंज कर लें, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी शुरू कर दें, उस जगह से चले जाएं, म्यूजिक सुन लें, सो जाएं. ये सारी चीज़ें पॉज लेकर आएंगी और जैसे ही आपका गुस्सा नीचे जाएगा आपकी रैशनैलिटी ऊपर जाएगी, एंड नाउ यू विल बी एबल टू थिंक
effectively, logically, and more you will be able to think positively, sorry, not positively, rationally, the more easy and feasible will be for you to convey the other person how he has hurt you. So, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आप जब आपको गुस्सा, अब देखें गुस्सा कम हो गया, आपने डीप ब्रीदिंग की, आपने खुद को कंट्रोल किया, उस टाइम पे आपने ये डिसाइड कर लेना है कि जब मुझे गुस्सा आया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू से अ वर्ड. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कम्युनिकेट द अदर पर्सन के हाउ ही हैज़ हर्ट यू. सो उसमें अब हमारे पास कम्युनिकेट जब हमने करना है तो उसमें कम्युनिकेशन में एक पॉइंट आ जाता है, आई स्टेटमेंट. सो आपने असर्टिव कम्युनिकेशन करनी है. आई नो इट इज़ अ वेरी न्यू टर्म एंड मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ इट. असर्टिव कम्युनिकेशन इज लाइक के आप अगले बंदे का पर्सपेक्टिव जहन में रखते हुए यू ट्राई टू कन्वे योर ओन पर्सपेक्टिव टू द अदर पर्सन. सो आपने बेसिकली करना ये है, इसकी एक टाइप होती है आई स्टेटमेंट. इट्स लाइक कि अगर एक माँ को अपनी बेटी पे गुस्सा आया है कि ये काम नहीं करती, या ये इसने इन्हीं बातों पर लड़ाइयाँ होती है ना हमारे घर में, कि बर्तन उठा के किचन में नहीं रखे. सो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड के मदर ये कहे कि तुम काम नहीं करती, तुम वो बदतमीज हो, तुम्हें कोई एहसास नहीं है मेरा, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस स्टार्ट सेइंग कि तुम के तुम्हारी तुमने बर्तन नहीं रखे इसकी वजह से आई एम हर्ट, आई एम फीलिंग अलोन, कि शायद अकेले मुझे काम करना पड़ता है. सो यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर ओन फीलिंग्स. तो आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने पर्सपेक्टिव को कन्वे करना है टू द अदर पर्सन इन अ वेरी इफेक्टिव वे. अब इसमें भी कभी कभार ये होता है कि अगले बंदे से बात करते करते दोबारा इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि दोबारा से हमारी ये इमोशनल स्टेट एंगर ये ऊपर गया और रैशनैलिटी फिर नीचे आई. अगेन आइडेंटिफाई दोज ट्रिगरिंग पॉइंट्स के कहाँ पे फिजिकली आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड. आपने फिर क्या करना है, अपने एग्रेशन को नीचे लेकर आना है ताकि आप ऑब्जेक्टिवली और रैशनली होके कन्वे कर सकें. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि एट टाइम्स हमारी लाइफ के कुछ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं वो हमें ट्रिगर कर रहे होते हैं. अब हम आपने वो भी आइडेंटिफाई करना है, वो थिंकिंग पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, उसको हम इन द लैंग्वेज ऑफ साइकोलॉजी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं. बाय कॉग्निटिव इट मींस के इट इज़ रिलेटेड टू आवर थॉट्स, एंड डिस्टॉर्शंस मीन दैट समथिंग इज नॉट राइट. सो हमारी जो जिसको अगर मैं लेन मैन लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो उसको कहते हैं सोचों की गलतियाँ. अब वो क्या हो सकती हैं कि कुछ कॉग्निटिव, आप वैसे अगर गूगल पे जाके सर्च करें अ लिस्ट ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, उसके पास आप गूगल आपको एक पीडीएफ की लिस्ट दे देगा जिसमें बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होंगी और यू विल ट्राई टू रिलेट, हाँ ये तो मैं करता हूँ, ये तो मैं करता हूँ. सो यू नीड टू फाइंड द लिस्ट और आप उसके साथ देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ना सिर्फ ग्रे एरिया नहीं देखते, ब्लैक एंड वाइट एक्सट्रीमिटीज में सोचते हैं. कुछ लोग लॉजिकल नहीं सोचते, जब फटाफट उसको वो दूसरों के माइंड को रीड करने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसने मुझे ये नहीं दिया ना, मैंने इसे ये चीज़ मांगी थी, इसने मेरी फेवर कंप्लीट नहीं की ना, इसका मतलब ये मुझसे नफरत करता है. इट्स लाइक कि आपको उस बंदे ने कन्वे नहीं किया कि वो आपसे नफरत करता है, लेकिन यू आर एक्चुअली रीडिंग हिज माइंड और इस थॉट की वजह से कि यू आर थिंकिंग कि वो बंदा आपसे नफरत करता है, आप अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं. सो आपने वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस देखनी है. फिर कभी कभार आपने अपनी लाइफ में कुछ रूल्स रखे होते हैं कि जी अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई पार्टनर है उसको हमेशा अच्छे मूड से मुझसे बात करनी चाहिए. ये अब आपने कुछ शुड्स एंड मस्ट को अपनी लाइफ में रखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. इट्स लाइक कि आप खुद ही अपने लिए एक रूल्स लगा रहे हैं, लेकिन ये इस तरह लाइफ चलती तो नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट कि ये यूनिवर्सल रूल है कि आसमान ब्लू है. सो यू नीड टू फाइंड आउट कि वो कौन से कॉग्निटिव पैटर्न्स हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, वो थिंकिंग है, थॉट पैटर्न्स जो कि आपको डिस्टर्ब करते हैं. इसलिए आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपको गुस्सा आके ख़त्म हो जाए और वो सिचुएशन गुजर जाए तो स्टार्ट राइडिंग दोज थॉट्स जो कि गुस्सा आपको दिलाती हैं. जब लिखेंगे ना तो आपके सामने जब पिक्चर आएगी यू विल बी एबल टू रिलेट इट और मैनेज इट मोर इफेक्टिवली एज कम्पेयर्ड कि आप जो उसको सिर्फ माइंड में रखा हुआ है आपने. इसके अलावा जब आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का पता चल जाएगा द नेक्स्ट स्टेप विच कैन यू डू इज टू रीस्ट्रक्चर योर कॉग्निटिव थॉट्स. वो कैसे कर सकते हैं कि आपने खुद को अल्टरनेटिव थॉट देनी है. फॉर एग्जांपल कि आपके जेहन में ये बात आई कि वो मुझसे नफरत करता है इस वजह से उसने मुझे ये फेवर नहीं दी, यू कैन ट्राई एंड से या और थिंक कि हो सकता है कि आज वो बिजी हो और इस वजह से उसने मुझे वो ये चीज़ ना दी हो. सो नो यू नो आपने उसके अल्टरनेटिव थॉट्स, और जैसे ही आप इसको करके देख लें इट इज़ 100% इफेक्टिव. जैसे ही आप अपने थॉट को चेंज करेंगे
योर फीलिंग्स विल चेंज एंड योर बिहेवियर विल चेंज. क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर आपस में एक ट्राइंगल की तरह इंटरकनेक्टेड होते हैं. इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप हस्बैंड वाइफ की फॉर एग्जांपल लड़ाई हुई है और दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, या दो दोस्तों की लड़ाई हुई है, सो ट्राई टू सी द सिचुएशन फ्रॉम द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. कि अगर यहाँ पर कोई न्यूट्रल बंदा खड़ा होके इस सिचुएशन को देखे तो वो सिचुएशन को कैसे देखेगा. इससे आपको अगले बंदे के पर्सपेक्टिव का भी पता चलेगा, आपकी अप्रोच भी एम्पैथेटिक हो जाएगी, आप अगले बंदे के पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे और आपको पता चल जाएगा हाँ ठीक है, हो सकता है कि मैं ज़रा ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहा हूँ, मुझे अपने थिंकिंग पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है. तो दीज आर सम ऑफ द वेज जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे और सो अपने आप को जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजीली आपके लिए ईजी होगा एंगर को मैनेज करना. सो आप keep on practicing these things. Meanwhile, मैं देख लूँगी कोई questions मेरे पास आए हैं कि नहीं. Okay. Is anger a sign of love? Sayyid Murtaza. It's not, I cannot say it's a sign of love. Lekin jaise ki I guess you have missed the starting part of the session. Basically, Murtaza sahab, hota ye hai ki jitna zyada aap hurt honge उतना ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा. और हर्ट आप होते ही उधर हैं जहाँ पे कोई ना कोई इमोशनल एस्पेक्ट हो. सो इसको आप इंडिकेशन कह सकते हैं कि अगर किसी बंदे पे आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि ज़रूर उसमें कोई ना कोई यू नो साइन ऑफ लव भी होगा. जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप्स क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इमोशनल बॉन्डिंग लव बहुत ज़्यादा है. लेकिन इसको इसके अलावा और भी फैक्टर्स देखने की ज़रूरत है, जैसे कि उस बंदे के साथ आपका रिलेशन क्या है और उस रिलेशनशिप के क्या डायनेमिक्स हैं, उस सबको ओवरऑल देखेंगे तो देन यू कैन से इट्स लव और नॉट. अ प्लस लव अगर होगा तो यू विल स्टार्ट फीलिंग लव्ड, यू नो. ओके, लेट मी सी वॉट मोर यू हैव टू से. ओके, thank you. Babar Javed, I would like to introduce myself again. I'm Halima Khurshid. I'm a clinical psychologist. Or if you want to interact with me or contact me, aap mere Facebook page ko like kar sakte hain. That's Halima Khurshid, clinical psychologist. Aur wahan bhi meri contact details bhi hain. I guess hamare session ka time bhi over ho raha hai and you don't have any other questions. So in the end, I would just like to, you know, try to convey another very important point, ke try to manage your emotions, try to manage your anger. Jitna aap koshish karenge, it's good. Again, discourage nahi hona, it's all about practice. साइकोलॉजी इज बेसिकली ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितनी इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आप पुराने जो आपने गुस्सा एक्सप्रेस करने के वेज हैं उनको अनलर्न करके न्यू वेज को लर्न कर सकते हैं. ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, बट इफ़ यू आर अनेबल टू डू इट ऑन योर ओन एंड इफ यू सी लाइक इट्स डिस्टर्बिंग माई ओन पीस ऑफ माइंड एंड माई रिलेशनशिप विद अदर्स, देन यू नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प. और उसके लिए इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है यू आर गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट. इट्स जस्ट लाइक किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, यू विल नॉट बी कॉल्ड एज अ पेशेंट और एबनॉर्मल और मेंटल, यू विल बी डेल्ट लाइक एनी अदर क्लाइंट. सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू आर अनेबल टू मैनेज इट ऑन योर ओन, आप इसके लिए यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं कि हाउ कैन यू मैनेज योर एंगर. वहाँ पे बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी. ट्राई टू डू इट, अदरवाइज अगर आपसे नहीं हो रहा देन डू टेक प्रोफेशनल हेल्प. उसके लिए आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अपॉइंटमेंट from me, then आप मुझसे contact कर सकते हैं. I will try to, you know, write my page details and contact details in the comment section. और comment section में फिर आप जाके you can contact me or you can just schedule appointment. Keep and keep me, you know, I will keep you updated on through my Facebook and Instagram page as well. So take care and अपना ख्याल रखें ताकि आप दूसरों का ख्याल रख सकें. So I'm going to end this session. Allah Hafiz.